जी अभी देख बन रही है, पहली देख बनाई है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। तो अभी खाना खिलाएंगे लोगों को। ये जी अभी मिठाई तकसीम हो रही है ईद की खुशी में, एक हम भी खा लेते हैं। ये इधर कमरे बने हुए हैं इधर रहाइश के लिए, अगर किसी ने मेहमान वगैरह कोई आ जाए या ठहरना हो किसी ने तो इधर रहाइश का इंतज़ाम मौजूद है। हेलो जी, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जी बंदा चेंज हो गया है, व्लॉग पहले कोई और बना रहा था आजकल तो अब कोई और बना रहा है, तो बंदा चेंज है, मैं भाई हूँ उसका। तो आप लोगों को जैसे को पता है कि आज ईद है, तो ईद का व्लॉग है, आपको दिखाएंगे हम लोग कुर्बानी वगैरह जो भी सीन है सारा, गांव में क्या कैसे कैसे कुर्बानी होती है, जो भी सीन वगैरह होता है सारा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं? तो आज हम लोग आए हुए हैं अपने गाँव में ईद मनाने यहाँ पर। तो इस व्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि गांव में ईद कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको डेरा दिखाता हूँ, ये हमारा डेरा है। ये है जी गांव में डेरा हमारा, एक डेरा दूसरी तरफ है जहाँ कुर्बानी हो रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, और ये इधर वाली साइड पे पिंजरे बने हुए हैं, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर वगैरह परिंदे रखे हुए होते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी ये खाली है। तो इधर वाली साइड पे वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह फूल लगे हुए हैं, काफ़ी बेलें लगाई हुई हैं इधर गांव में, पौधे वगैरह का काफ़ी शौक़ है हमें, तो इधर गांव में काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं। ये इधर कमरे बने हुए हैं इधर रहाइश के लिए, अगर किसी ने मेहमान वगैरह कोई आ जाए या ठहरना हो किसी ने तो इधर रहाइश का इंतज़ाम मौजूद है। हाँ जी, तो कैसे हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं व्लॉग? अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग व्लॉग को पूरा देखें इंशाल्लाह, एंड तक आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। आपको हम दिखाते हैं कि गाँव में ईद वगैरह कैसे होती है, सारा सीन आपको दिखाते हैं। और मौसम का सीन वगैरह आज जो है यार, गर्मी थोड़ी कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ी ईद पे छोटी ईद पे भी काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो बादल वगैरह हुए हैं, अभी जब पहले हम लोग आए थे तो काफ़ी बादल थे, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का सीन ऑन होगा, लेकिन सीन वगैरह बारिश का कोई नहीं ऑन, सीन गर्मी का ही ऑन है। तो डेरा वगैरह आप लोगों ने देख लिया ये सारा, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कुर्बानी का सीन वगैरह। ओके जी, तो चलें जी अब आप लोगों को हम लेके चलते हैं दूसरी तरफ। ये है जी हमारे गांव की गलियां, ये इधर बच्चे खेल रहे हैं, ईद मना रहे हैं अपनी, और दूसरी तरफ हम चलते हैं उधर डेरे की तरफ जहाँ पे कुर्बानी हो रही है और खाना पकाया जा रहा है। ये है जी गांव में हमारा घर, तो इधर दूसरी तरफ डेरा है, चलें अंदर जा के आपको दिखाते हैं। अभी ये जी अभी मिठाई तकसीम हो रही है ईद की खुशी में, एक हम भी खा लेते हैं। ये है हमारा जी कुर्बानी का जानवर, ये बकरा कुर्बानी के लिए लिया, और बाकी जो बड़े जानवर थे वो इससे पहले कुर्बानी कर लिए, उनका अभी गोश्त कर रहे हैं। ये जी इधर गोश्त काटा जा रहा है ताकि जल्दी से खाना बनाया जाए और फिर लोगों को खिलाया जाए और ख़ुद भी खाया जाए।
तो वो दूसरी तरफ उधर देग बनाने की तैयारी हो रही है। अभी आपको उधर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जाता है उधर। तो चलें जी, अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग और आपको दिखाता हूँ देग कैसे बनाई जा रही है उधर। ये जी हम आ गए अब दूसरी तरफ। इधर मिर्चें वगैरह काट हो रही हैं, सालन की तैयारी हो रही है, सामान सालन का रेडी किया जा रहा है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं इसके। अभी सारा सामान रेडी करके उसके बाद वह उधर से गोश्त लेंगे और फिर इधर खाना पकाया जाएगा। ये देखें जी, अभी इधर गोश्त काट के तकसीम किया जा रहा है। बच्चों, बड़ों को, औरतों को, सबको तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। बारी बारी सब के तकसीम कर रहे हैं अभी। ये इस डेरे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा फूल और बेलें वगैरह लगाई हुई हैं। ये रेडी खड़ी है, ये इधर ट्रैक्टर खड़ा है और इधर जनाब ये गोश्त बन रहा है। तो अब हम आ गए हैं घर अपने गांव के अंदर, जो हमारा घर है वहाँ आए हैं। तो इधर देखें जी क्या सीन है। ये मेरे कज़न हैं, इन्होंने पैरट रखा हुआ है, तो जिधर भी वो जाते हैं उनके पीछे पीछे वो भागता है पैरट। ये जी पैकेट बना के रखे हुए हैं, अभी हम इनको मोहल्ले में बांटेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ इधर पड़े हुए हैं, अभी देख बन रही है। पहली देख बनाई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, अभी तो अभी खाना खिलाएंगे लोगों को। ये देख में चमचा फेर हो रहा है अभी। तो जितनी देर उधर देख बन रही है उतनी देर हम जो है इधर बाकी का गोश्त जो है वो बांट देते हैं गरीबों में। और हम लोग इस तरह करते हैं कि पहले सारा गोट काट के तो उसको जो है देग बनानी शुरू कर देते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्लेदारों में और दोस्तों में और बाकी गांव के लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो खाना खिलाया जाता है इधर। अभी आगे वीडियो को देखते रहें, आपको वो भी दिखाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दें। अभी ये देखें अंकल जो है वो गोश्त बांट रहे हैं लोगों को। तो उसके आगे आपको सीन दिखाते हैं बाकी के। ये जी गांव के लोग खड़े हुए हैं अभी इधर, और अभी हम खाना खिलाएंगे इनको। तो फाइनली जी खाना रेडी हो चुका है और सब लोग इस वक्त खाना खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है तो दोपहर को खाना खिलाया जाता है। और तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी तरफ़ से सब लोगों को ईद मुबारक। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।